हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिल्मी अंदाज में परीक्षा सेंटर से फर्जी अभ्यर्थी भागा, पर्यवेक्षक ने किया पीछा, काफी दूर तक पीछा करने पर भी पकड़ में नहीं आया। महिला वीक्षक को धक्का देकर भागा फर्जी व अवजी अभ्यर्थी। जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रही DLED परीक्षा में गुरुवार को फिल्मी अंदाज में एक फर्जी व अवजी अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर से भाग गया। उसने परीक्षा कक्ष में से महिला वीक्षक को धक्का दिया और सेंटर से भागने के लिए पूरी गति से दौड़ लगाई। फर्जी अभ्यर्थी को भागता देख पर्यवेक्षक और अन्य कार्मिक ने काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया और भागने में सफल हुआ। ये वाक्य है राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल शहरी में आयोजित DLED प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान गुरुवार को गठित हुआ, जब एक अवजी और फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर से भाग गया। बाद में स्कूल प्रशासन की ओर से इस घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। गौरतलब है कि कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित DLED परीक्षा के केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल शहरी जालौर में गुरुवार को DLED प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें परीक्षा के दौरान कमरा नंबर 10 में वीक्षकक्ष व्याख्याता श्रीमती संतोष परमार द्वारा कमरे में बैठे परीक्षार्थियों की जांच करने पर एक अभ्यर्थी पर संदेह हुआ। बाद में जांच की तो पता चला कि करण कुमार पुत्र जयकिशन साहू के स्थान पर बैठे उपस्थित व्यक्ति के फोटो का मिलन किया तो फर्जी व अवजी अभ्यर्थी होने का संदेह हुआ। इस पर संबंधित अभ्यर्थी से पूछताछ की तो वो महिला वीक्षकक्ष को धक्का देकर परीक्षा सेंटर से भाग गया। बाद में पर्यवेक्षक ब्रजेश कुमार शुक्ल ने फर्जी अभ्यर्थी का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। हालांकि अभी तक संबंधित व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। गत 8 जनवरी को भी एक अभ्यर्थी फर्जी व अवजी के रूप में पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी स्कूल से ही उस फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया था, लेकिन परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था प्रशासन व पुलिस सतर्क नहीं हुए। हालांकि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नकल गिरोह को रोकने के लिए टीम वर्क में काम की जरूरत है। हो सकता है कि नकल की बड़ी गैंग DLED की परीक्षा के दौरान नकल का ये दूसरा मामला है। इससे संदेह है कि कथित रूप से एक गिरोह के माध्यम से अवजी और फर्जी अभ्यर्थी को परीक्षा में बिठाया जा रहा है। इस मामले में सख्ती और सतर्कता की जरूरत है, लेकिन अभी जिला डाइट प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है। जालौर से पहले भी नकल गिरोह से जुड़ चुके हैं तार। जालौर जिले से पहले भी नकल गिरोह से तार जुड़े हुए हैं। सांचौर क्षेत्र का नाम भी चर्चा में रहा। अन्य जिलों में भी नकल के मामले में जालौर के लोगों के नाम पहले भी सामने आए हैं। ऐसे में हर परीक्षा पर विशेष निगरानी की जरूरत होती है, लेकिन DLED की परीक्षा में नकल रोकने, फर्जी और अवजी अभ्यर्थी को पकड़ने के मामले में पुलिस को भी सतर्क नहीं किया है। वहीं 8 जनवरी को मामला सामने आने के बाद भी डाइट प्रशासन विशेष सतर्क नहीं हुआ है। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।